हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियांशी एंड वेलकम टू अवर चैनल। तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी वाइटेड जूनियर के अपग्रेडेड प्रोसेस के ऊपर, जो कि आप लोगों ने देखी होगी कि वाइटेड जूनियर का जो प्रोसेस है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो चेंज हो चुका है पहले से। पहले आपका क्या होता था कि डेमो 1, 2 एंड 3 बेसिस, मतलब डेमो 3 लिया जाता था और उस बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता था। पर अब उसमें एक चीज़ ऐड कर दी गई है, कोडिंग टेस्ट। तो कोडिंग टेस्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस बेसिस पर मैंने एक वीडियो बनाई है ये वाली, जो कि आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि शायद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, और कुछ जो अभी 2-3 डेज से इंटरव्यू हो रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों से ये सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, बट इनको आप सैंपल की तरह ही लेकर के चलना। ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चंस ही आएंगे। ओके, तो मतलब क्वेश्चंस तो कोई भी आ सकते हैं, बट यस, ये आपका एक लेवल आपको बता देंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। और ऐसा हो भी सकता है कि इनमें से कोई एक दो क्वेश्चन या सारे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए भी मिल जाएँ। ओके, तो आप इन क्वेश्चन को तो डेफिनेटली प्रिपेयर कर ही लीजिएगा, और इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस को भी तैयार कर लेना। वो आपकी कोडिंग लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, आपको आप वो कर ही लोगे। ओके, तो देखिए, जो सबसे पहले कोडिंग टेस्ट होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 पूछे जाएंगे आपसे एट द टाइम ऑफ टेस्ट, और जो आपका ड्यूरेशन रहता है टेस्ट का वो 45 मिनट्स का रहता है। तो ये चीज़ें तो मैंने पहली वाली वीडियो में भी डिस्कस की थी, आप लोग एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। मैंने उसमें पूरा अपग्रेडेड प्रोसेस, जो भी मतलब चेंज हुआ है, वो मैंने पूरे डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो वो वीडियो देखने के बाद आप ये वाली वीडियो देखना, वरना आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, देन जो टेस्ट रहने वाला है वो ऑनलाइन मोड पर होगा, ऑफलाइन मोड पर नहीं होगा टेस्ट, तो ये एक चीज़ है। उसके बाद आपको टेस्ट को देने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन केस मान लीजिए आपका टेस्ट हो रहा है, उसमें कहीं पे कोई डाउट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस केस में जो मान लीजिए मतलब इन्विजिलेटर और आपका दोनों के डिसीजन नहीं मैच कर पा रहे हैं, तो जो इन्विजिलेटर फाइनल डिसीजन लेगा उस इशू में, जो भी इन्विजिलेटर का डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा, जो वो कह देगा वही आपको मानना होगा। एक जो टेस्ट का क्लॉक है, मतलब जो टाइम मैनेजमेंट है या टाइम जो देखेगा, वो भी आपका इन्विजिलेटर देखेगा। तो आपकी क्लॉक में, क्लॉक के अकॉर्डिंग टाइम क्या है, ये चीज़ नहीं मानी जाएगी। जो इन्विजिलेटर की क्लॉक के अकॉर्डिंग टाइम जब पूरा हो जाएगा, तो वो आपका 45 मिनट्स को कंप्लीट होते ही आपका टेस्ट वहीं पर स्टॉप करवा देगा, रुकवा देगा। ओके, आपका टेस्ट फिनिश हो जाएगा वहीं पर। तो क्लॉक का जो मतलब कंट्रोल रहेगा वो पूरा इन्विजिलेटर के हाथ में रहेगा। देन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, उससे पहले आपको सारे क्वेश्चन एक बार ज़रूर पढ़ लेने हैं, ताकि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं उनको आप आराम से पहले कर लो, आपका टाइम आराम से मैनेज हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको जैसे क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन के नीचे ही आपको अपना आंसर टाइप करना होता है, यानी कि पेपर में कोई भी आपको अपना आंसर नहीं लिख कर देना है, आपको आंसर अपना उसी क्वेश्चन के नीचे टाइप करना होता है, देन आगे बढ़ना होता है। फिर इसके बाद एक चीज़ यहाँ पर यह है कि आप टेस्ट के टाइम पर कोई भी रेफरेंस बुक या कोई भी ऑनलाइन हेल्प नहीं ले सकते हो, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप लेकर के बैठ सकते हो टेस्ट के टाइम पर, ठीक है। वो पूरी तरह से बैन है, आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि आप किसी बुक का या किसी भी चीज़ की हेल्प लो। ओके, एक चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको अपना वेबकैम, आपके अपनी स्क्रीन शेयर करनी होगी पूरी इन्विजिलेटर के सामने, यानी कि वो आपको पूरे टाइम, पूरे टेस्ट के ड्यूरेशन में वो आपको मॉनिटर करेगा थ्रू वीडियो कॉल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी तरह की कोई भी चीटिंग आपको नहीं करनी, वरना इन्विजिलेटर वहीं आपको रोक करके आपका टेस्ट कैंसिल कर सकता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो मतलब पहले आप प्रिपेयर कर लो अच्छे से, तभी आप अप्लाई करना टेस्ट के लिए। उसके बाद उन्होंने एक PDF भेजी होगी, जैसे आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो आपके पास PDF आई होगी। उस PDF में उन लोगों ने कुछ 5 क्वेश्चंस दिए हैं, जो कि उन लोगों ने बोला है कि ये क्वेश्चन आप किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो आप वो चीज़ शेयर मत करना किसी के भी साथ, है ना। तो मतलब ये वाइटेड जूनियर के अगेंस्ट है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जो PDF में उन्होंने क्वेश्चंस भेजे हैं, उन्होंने वहाँ पर लिखा है कि जो क्वेश्चंस हैं वो पाइथन के बेसिस पर उन्होंने भेजे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने उसमें ये भी बोला हुआ है कि आप अपनी ही लैंग्वेज को चूज़ करेंगे, मतलब आपको C++, जावा, HTML, पाइथन, जो भी आपको कोडिंग लैंग्वेज आती है, आप उसी को सिलेक्ट करके उसी बेसिस पर अपना टेस्ट देंगे। तो जो क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर्स आप अपनी कोडिंग लैंग्वेज में लिखेंगे, जो कोडिंग लैंग्वेज आपको आती है। ओके, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ जो कि उस PDF में आपको भेजे गए हैं, वो आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रिंट अ ट्रायंगल, सेकंड है फाइंड सम ऑफ द सीरीज, थर्ड है पावर रेंजर, फोर्थ है फर्स्ट बिफोर सेकंड लेटर, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका फ्राइडे द 13th। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन है जो कि आपको PDF में भेजे गए थे, जो कि आपसे मना भी किया है कि आपको शेयर नहीं करने हैं कहीं भी। ओके,
ये जो क्वेश्चन है उन्होंने उसमें दिया हुआ है कि पाइथन के बेसिस पर उन्होंने क्वेश्चन भेजे हैं, तो लेकिन आपको वहाँ पर अपनी ही लैंग्वेज को चूज़ करना है टेस्ट में और अपनी ही कोडिंग लैंग्वेज में उनका आंसर भी लिखना है क्वेश्चंस का। क्वेश्चन सारे ही जो मैं आपको बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो क्वेश्चन को आप ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए लेकर के आई हूँ। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ ऐसे शेयर करने वाली हूँ जो कि मतलब अभी रिसेंटली 2-3 डेज में जो इंटरव्यू हुए हैं उसमें मोस्टली पूछे गए हैं, सबसे नहीं लेकिन मोस्टली लोगों से वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपसे भी पूछे जाएंगे, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ पॉसिबल है कि एक दो क्वेश्चन आपको शायद देखने के लिए मिल जाए। तो क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है चेकिंग द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, सेकंड क्वेश्चन है देन स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज इक्वल टू क्यूब रूट, देन थर्ड क्वेश्चन है एरिया ऑफ स्क्वायर इनस्क्राइब्ड इन सर्कल, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंग रिवर्स और शफल, एंड लास्ट क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ गिविंग नंबर ऑफ गिवन लेटर लेंथ। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और जिनका आंसर है आपको अपनी ही कोडिंग लैंग्वेज में देना है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस का लेवल है शायद नॉन कोडर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि नॉन कोडर्स का जो बैकग्राउंड होता है वो कोडिंग का नहीं होता ऑफकोर्स, तो उन लोगों को ये डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जिन लोगों का बैकग्राउंड कोडिंग का है शायद उनके लिए क्वेश्चन इतने मुश्किल ना हो, या आप लोग रिवाइज भी करेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। नॉन कोडर्स के लिए केवल यही ऑप्शन बचता है कि आप लोग कोई भी कोडिंग लैंग्वेज को सीख लो, देन उसी के बाद आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मतलब आपको व्हाइटहेड जूनियर के साथ जुड़ना ही है तो उसके लिए आपको एक कोडिंग लैंग्वेज तो सीखनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आपने से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम लोग नॉन कोडर्स हैं तो हम लोग अब क्या करें, क्योंकि कोडिंग टेस्ट तो देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो गया है अब, है ना। तो उनके लिए यही ऑप्शन है कि आप लोग सीख लो लैंग्वेज, अगर आपको बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म के साथ ही जुड़ना है तो आप लोग सीख लो, देन उसके बाद इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, छोटी सी वीडियो है, आपके काम की रहेगी। अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा, क्वेश्चंस पसंद आए हो या लग रहे हो कि इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी लोग व्हाइटहेड जूनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आगे प्लानिंग भी कर रहे हैं अप्लाई करने की। और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस यहां पर आपको देखने के लिए मिलती रहती हैं। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।